So hey guys, welcome to our new video. This side Rohit Pawar from IIT Guwahati. And I'm Vishwatej, I'm from IIT Delhi. So in this video we will tell them ki jo jo books hame use kari JEE mains and JEE advanced mein jinke liye wo bhi helpful ho jayegi unko bhi. Those books which we have used except from modules. Okay. Jo modules hote hain wo humko coaching mein provide kiya jaate hain. Yes. So let's go with the sequence wise MPC. तो मैथ्स के लिए मैक्सिमम यही रहेगा कि आप पहले मॉड्यूल सॉल्व करो, जो कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक होती है उसे पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप जाओ एडिशनल बुक्स पे. तो वो एडिशनल बुक्स विच वी हैव यूज्ड आर सिंगेज. तो सिंगेज इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट राइट नाउ. हाँ, तो सिंगेज वैसी बुक है कि आपको सभी प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व हो जाएगा. तो मैं सिंगेज ऐसे सॉल्व करता था, पहले मैं एग्जांपल प्रॉब्लम्स, आई यूज्ड टू डू एग्जांपल प्रॉब्लम्स बिफोर आई गो विद द एक्सरसाइजेस बिकॉज दोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. तो कोचिंग के एक प्रॉब्लम्स, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करने हैं. yes. तो सिंगेज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. तो मतलब कैसे सॉल्व किया था सिंगेज को? मैं बहुत लोग पूछते हैं कि सिंगेज को कैसे सॉल्व करें, मतलब एक ही बार में टफ हो जाती है करके. सो आई विल टेल यू हाउ आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट आई यूज्ड टू गो विद एग्जांपल्स. एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट आई यूज्ड टू गो विद एग्जांपल्स, देन इलस्ट्रेशंस, देन आई यूज्ड टू गो फॉर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन. सो ये बेस्ट मेथड है क्योंकि आपको एग्जांपल वे में पता चल जाएगी कि आपको क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है या फिर क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना है करके, उससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी. एंड मूविंग टू द फिजिक्स, फिजिक्स में तो आई थिंक हम दोनों ने सेम ही बुक्स यूज करी है. हम दोनों ने डीसी पांडे करी है. तो नहीं, हाँ डीसी पांडे. डीसी पांडे यार बहुत ही अमेजिंग बुक है. उसमें एग्जांपल प्रॉब्लम्स में ही आपको पता चल जाता है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है. उसमें एग्जांपल में बता रहा हूँ ना, एग्जांपल में आपको पता चल जाता है कि जो जेई मीन्स जेई एडवांस में कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं करके. सो एडिंग टू द टॉपिक्स, फिजिक्स इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो आपको अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं तो डीसी पांडे इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट गाइस, बिकॉज लाइक डीसी पांडे कैन कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स. इट कैन हेल्प यू अ लॉट, चाहे वेव्स होने दो, इलेक्ट्रिक होने दो, मैग्नेटिज्म होने दो, कोई सी भी होने दो. ऐसे मत करना, अलग अलग करना सभी के लिए. डीसी पांडे करते तो डीसी पांडे करो क्योंकि आपको इसका अप्रोच अच्छा लगेगा आपको. और एक बुक यूज कर रहे हो, अगर आप डीसी पांडे यूज कर रहे हो तो आपको सिंगेज पे स्विच होने का कोई जरूरत नहीं है. तो डीसी पांडे ही करो, अगर कर रहे हो तो डीसी पांडे ही करो. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, मेरा इनऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक लेके जाता हूँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से सब पूछ लेते पहले. तो फिजिकल एंड और इनऑर्गेनिक के लिए मतलब बहुत अच्छे बुक्स हैं मार्केट में. और फिजिक्स, फिजिकल हमने सेम ही बुक्स करी है केमिस्ट्री के लिए भी. हाँ. तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेस्ट बुक है इन द मार्केट नरेंद्र अवस्थी. अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो अपने जो कोचिंग के मटेरियल होते हैं वो पढ़ो. और प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है नरेंद्र अवस्थी. नरेंद्र अवस्थी इज लाइक इट कवर्स ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. तो अच्छा बुक है, यू कैन ट्राई नरेंद्र अवस्थी. एंड वाइल स्पीकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए मैं यूज करता था पहले एनसीईआरटी. करना ही करना है यार, एनसीईआरटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी. तो एडवांस के लिए ट्राई कर रहे हो तो एडवांस के लिए, हाँ एडवांस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो बुक आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर जेडीली. जेडीली इज अ गुड बुक क्योंकि एडवांस में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है यार. एनसीईआरटी में आप कवर कर सकते हो लेकिन इतना भी कवर नहीं कर सकते, आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा वो, इसलिए जेडी आप जेडीली आप ट्राई कर सकते हो. सो मूविंग टू द ऑर्गेनिक पार्ट, मैंने जो यूज़ करी वो एम एस चौहान में दो बुक्स होती है, एक एलिमेंट्री और एक होता है एडवांस प्रॉब्लम. मैंने एलिमेंट्री मतलब बेसिक है वो, तो हम एनसीईआरटी में भी सेम कर सकते हैं, तो मैंने एडवांस वाली ही ले रखी थी उसमें, एडवांस्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके. MS चौहान उसके जो है राइटर है. बेस थिंग है कि आपको क्लास आपको सही से सुननी पड़ेगी, पहले क्लास सुनने के बाद ही ये मॉड्यूल्स पे जाना. सभी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट दोज. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, जरूर करो यार सब्सक्राइब. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.